Bring the action. Hey guys, welcome back to the another video. This is your Sachin and now you're watching SK Blogs. And आपको बता दूं कि मार्केट में आ चुका है केचिम आरसी 125 एंड पहले आया था केचिम ड्यूक 125. सो दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं हम इस वीडियो में. सो चलते कंपैरिजन वीडियो की ओर, बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं KTM RC 125 में से क्या फीचर्स है जो कि KTM Duke 125 में नहीं है एंड इसमें क्या ऐसे फीचर्स है जो कि KTM RC 125 में नहीं है. सो चलते हैं पहले फीचर्स की ओर. सो सबसे पहले आता है हमारे सामने प्राइस. सो गाइस, KTM RC 125 का ऑन रोड प्राइस 1,65,000, वहीं पे आपको KTM Duke 125 का प्राइस ऑन रोड 1,47,000 पड़ता है ऑन रोड. बात करते हैं हम माइलेज की, तो दोनों बाइक सेम सीसी के हैं, बिल्कुल सेम सीसी. सो वहीं पे हमको माइलेज दोनों में 46 किलोमीटर पर लीटर मिलता है. बट ड्यूक 125 का तो पता है, जब KTM RC 125 का भी चांस है कि ये भी 46 का माइलेज आपको दे देगा. बट मार्केट में आने के बाद पता चलेगा कि इसका करेक्ट माइलेज एंड ड्यूक 125 का माइलेज कुछ ऊपर नीचे होता है या फिर नहीं होता है. करते सीसी की, तो गाइस दोनों बाइक 124.7 सीसी की है. गाइस बात करते हैं सिलेंडर की, तो दोनों बाइक में हमें वन सिलेंडर ही मिलता है. एंड गाइस बात करें हॉर्स पावर की, तो दोनों बाइक में हमें 14.5 का हॉर्स पावर जो कि 9,250 का RPM पे प्रोवाइड होता है हमें. एंड गाइस, आप में से बेहद लोग पूछते कि यार 125 सीसी का बाइक है, इतना हाई रेंज क्यों है? तो गाइस कुछ फीचर्स भी देता है आपको. हाँ, थोड़े से रुपए ज़्यादा लेता है बट फीचर्स भी आपको देता है, क्योंकि 125 सीसी के बाइक्स में डिस्क ब्रेक आगे एंड फ्रंट में एंड रियर में आपको बहुत से कम मोटरसाइकिल में मिलती है. एंड जो उसका डिस्क ब्रेक का ब्रांड एंड इसका डिस्क ब्रेक का ब्रांड में दोनों फ़र्क होता है. सो इन वजह से इनकी रेट बढ़ जाती है ड्यूक की एंड 125 आरसी की. एंड गाइस, वहीं पे हम बात करें गेयर बॉक्स की, कि हमें कितने गेयर्स मिलते हैं. तो 125 सीसी का बाइक है एंड दोनों में हमको 6 स्पीड गेयर मिलता है. ड्यूक 125 एंड आरसी 125 दोनों में हमें 6 स्पीड गेयर बॉक्स मिलता है. बात करें ABS की, तो दोनों में हमें ABS मिलता है. एंड गाइस बात करें माइलेज की, तो ड्यूक 125 में आपको 46 का माइलेज सिटी में मिलता है एंड 48 का माइलेज हाईवे पे मिलता है. बट आरसी का अभी पता नहीं एंड मुझे ऐसा लगता है कि 46 एंड 48 से माइलेज आरसी का भी होगा. बट मार्केट में आने के बाद पता चलेगा, माइलेज टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि माइलेज में कुछ फ़र्क आता है या नहीं आता है. एंड गाइज, वहीं बात करते स्पीड की, तो 0 to 60 जाने में 5.6 यानी 5.5 की 5.5 सेकेंड लगाता है आपको 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने में. एंड वहीं बात करें कि 0 to 100 पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 17 सेकेंड लगता है आपको 0 to 100 17 सेकेंड लगता है आपको 0 to 100 की स्पीड पकड़ने में ड्यूक 125. एंड वहीं मार्केट में आरसी आएगा तो उसका भी पता चल जाएगा, बट अप्रोक्स वही होने वाला है. एंड बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी की, तो ड्यूक में आपको 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी एंड वहीं पे आपको आरसी में 9.5 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है. एंड गाइस बात करते हैं टायर की, तो दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं. एंड गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दें. एंड लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल को कर दें, बेल आइकन दबा देना ताकि जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून.